सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए रोल के बारे में, दैट इज आईटी सर्विस डेस्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो हमने इससे पहले L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट के बारे में बात की है, उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेल मी ऑन complexsql@gmail.com। मैं ऑल इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, ओके, सो दैट आपको वो रीड करने में अच्छा जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं आईटी सर्विस डेस्क के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ आईटी सर्विस डेस्क फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज यूजर सपोर्ट। सो यूजर सपोर्ट ये काम L1 इंजीनियर का भी है, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का भी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी है, बट आईटी सर्विस डेस्क किसके रिलेटेड है? ITIL, मतलब आईटी सर्विस मैनेजमेंट के रिलेटेड है। सर्विस मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, उसके रिलेटेड यूजर सपोर्ट, ये काम है आईटी सर्विस डेस्क का। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंजीनियर इज प्रोवाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंस टू एंड यूजर, रिजॉल्विंग द इश्यूज एंड आंसरिंग देयर क्वेरीज। ओके, सो एक सिंपल एग्जांपल इसका दिया है मैंने, असिस्टिंग एन एम्प्लॉइज विद सेटिंग अप देयर ईमेल on new device, resolving printing problems और helping a customer reset their password। अगर ये कौन से भी issues आ सकते हैं, वो पहला कॉल जाएगा, वो सर्विस डेस्क के पास जाएगा। सर्विस डेस्क को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि L1 सपोर्ट इंजीनियर भी बोल सकते हो, बट L1 सपोर्ट इंजीनियर कैसे रहता है, वो एप्लीकेशन के रिलेटेड भी रह सकता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू सर्विस, राइट। सो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट रोल है। नेक्स्ट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट आपको पता रहना चाहिए, इसके लिए मैं एक सर्टिफिकेशन आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, दैट इज ITIL V। अभी 6 या 5 चल रहा होगा, ITIL सर्टिफिकेशन आप जरूर कर लेना। ओके, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है वो, और वो बेसिक सर्विस रिलेटेड सर्टिफिकेट है, जिसमें सब सर्विसेज आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इंसिडेंट मैनेजमेंट में रहेगा रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग आईटी इंसिडेंट्स। इंसिडेंट मतलब क्या? इंसिडेंट मतलब इशू। जैसे कि समझो आपका पीसी, कंप्यूटर चल नहीं रहा, दैट इज वन ऑफ द इंसिडेंट, उसको इंसिडेंट बोलते हैं। वो लॉक करने के लिए हम मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि जीरा रहेगा, रैली रहेगा, वैसे एक टूल्स हम यूज करते हैं जो इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल्स रहते हैं। ओके, सो जो इंसिडेंट आया है यूजर को, वो रिकॉर्ड कर देना। मतलब यूजर क्या करेगा, यूजर तो रेज नहीं कर सकता, हर एक जगह पे स्ट्रक्चर अलग रहता है, कुछ यूजर्स को जीरा का एक्सेस दिया रहता है, कुछ स्टेक होल्डर्स को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेक होल्डर्स को या यूजर्स को एक्सेस नहीं रहता, तो वो आपको कॉल करेंगे, नहीं तो मेल करेंगे, नहीं तो मैसेज करेंगे, उसके ऊपर आपको इंसिडेंट रेज करना है। आजकल ये प्रोसेस भी ऑटोमेटेड हो चुकी है, बट अगर ऑटोमेटेड नहीं है तो आपको रेज करना पड़ेगा। ओके, recording and managing IT incidents, prioritizing them and ensuring timely resolution। So आपका इंसिडेंट आ गया, बट उसका प्रायोरिटाइजेशन करना किसका काम है? IT सर्विस डेस्क का काम है। जैसे कि समझो आपकी सिस्टम ही नहीं चल रही और प्रोग्रामर बैठा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो P1 इंसिडेंट रहेगा, प्रायोरिटी 1 इंसिडेंट रहेगा, वैसा। ओके, सो वो आपको प्रायोरिटाइजेशन करना है, यह आपका काम है एज ए IT सर्विस डेस्क इंजीनियर। ओके, creating a ticket for network outage, assigning it to appropriate team and tracking its progress until the issue getting resolved। okay, so समझो network outage आया है, तो उसका ticket create करना है, assign करना है system admin team को, और वो track करना है उसका progress, कितना fast हो रहा है, वो issue हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उसको बोलना है आपको mail through, या उसको reminder देना है, right। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। सो कैसा रहता है सिस्टम में, क्या रहता है, एक रहता है रिक्वेस्ट, एक रहता है इश्यूज। इश्यूज मतलब क्या है, एप्लीकेशन साइड आपको कुछ इशू आया है तो इशू। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ स्विगी का। ओके, स्विगी का एप्लीकेशन चल नहीं रहा आपका, तो वो है इशू। ओके, और रिक्वेस्ट क्या रहेगी, आपका ऑर्डर फास्ट नहीं आ रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, 30 मिनट्स का टाइम उसने दिया है बट वो आ नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट रेज करोगे, दैट इज नॉट अ इंसिडेंट, राइट, या इशू नहीं है। तो ये डिफरेंस है रिक्वेस्ट और इशू के बीच में। सो हैंडलिंग सर्विस रिक्वेस्ट सच एज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट सेटअप्स और एक्सेस परमिशंस। ओके, वो रिक्वेस्ट कैसे भी रहता है, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था। सर्विस रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के का भी आ सकता है, इक्विपमेंट सेटअप का आ सकता है, कुछ परमिशन चाहिए तो वो भी आ सकते हैं, तो वो रहेगी रिक्वेस्ट आपकी। ओके, एग्जाम्पल फॉर द सेम इज इंस्टॉलिंग अ रिक्वेस्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन यूजर्स कंप्यूटर और ग्रांटिंग एक्सेस टू द स्पेसिफिक सिस्टम और फोल्डर। ये एक मैंने एग्जाम्पल देके रखा है आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्या रहेगा, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग तो हर एक लोग, हर एक बंदा जो सपोर्ट रिलेटेड काम करता है, सबको ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है। वो L1 सपोर्ट इंजीनियर हो, L2 हो, L3 हो, डेवलपर हो, डेटाबेस एडमिन हो, सबको ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है। ओके, ट्रबल शूटिंग मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग टेक्निकल इश्यू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द सेम। जो इश्यू आया है वो डायग्नोज करना है, जो इश्यू आया है वो आइडेंटिफाई एनालाइज करना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप दे सकते हो तो सोल्यूशन देना है, नहीं दे सकते हो तो स्पेसिफाइड टीम को वो ट्रैवर्स करना है रिक्वेस्ट। और सिंपल है, कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एग्जाम्पल फॉर द सेम, इन्वेस्टिगेटिंग एंड फिक्सिंग अ कंप्यूटर दैट वोंट बूट और ट्रबल शूटिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट क्रैशेस फ्रीक्वेंटली। वो ट्रबल शूट, एक समझो एक एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है तो वो ट्रबल शूट करके आपको देखना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर IT सर्विस डेस्क इज नॉलेज मैनेजमेंट। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम इज क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग नॉलेज बेस विद सोल्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एनेबल सेल्फ हेल्प फॉर द यूजर। सो आजकल ये बहुत चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी है, जैसे कि चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में क्या करते हो आप, कॉल करते हो, यूजर कॉल करेगा, वो सर्विस डेस्क को नहीं लगता, शुरू में ऑटोमेटेड सिस्टम में जाता है वो, पासवर्ड चेंज करने के लिए ये करो वो करो, वो इंस्ट्रक्शंस दे देगा। ओके, तो वो भी नहीं होता तो फिर सर्विस डेस्क के पास आता है, एडी पासवर्ड है या कोई पासवर्ड है, राइट। जस्ट लाइक दैट आपको नॉलेज बेस मेंटेन करके रखना है ताकि वो यूजर खुद इश्यू सॉल्व कर सके और आपके पास ज्यादा नहीं आ पाए। ओके, वो देखना है आप एज अ IT सर्विस जैसे आपका काम क्या है। समझो एक महीने में 100 इश्यूज आ रहे हैं तो वो 90 पे लाना नेक्स्ट मंथ पे, 100 का 150 नहीं करना है आपको, राइट। दैट इज योर वर्क। डॉक्यूमेंटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉमन टास्क एंड इश्यूज सच एज हाउ टू सेट अप ईमेल ऑन मोबाइल डिवाइस। समझो हाउ टू सेट अप ईमेल ऑन मोबाइल डिवाइस पे वो हर एक सर्विस इंजीनियर को कॉल कर रहा है, कैसे चलेगा ना, नहीं चलेगा। आप एक इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर दो, सब यूजर्स को भेज दो, नॉलेज बेस में डाल दो, खत्म, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मतलब क्या है, एज अ IT सर्विस डेस्क आपको डायरेक्ट यूजर आपको इश्यू रेज करेगा। समझो एकाद इश्यू है वो बहुत डिफिकल्ट है करने में रिजॉल्व, और आपने वो डेवलपमेंट टीम को दे दिया, ओके या L2 सपोर्ट टीम को दे दिया, कोई भी सपोर्ट टीम को दे दिया, तो उसको टाइम लगने वाला है। यूजर को कैसे पता चलेगा, उसको तो सपने में नहीं आएगा ना कि इशू सॉल्व, मतलब इशू को टाइम लगने वाला है। तो एज अ IT सर्विस डेस्क इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू कम्युनिकेट दैट टू दैट स्पेसिफाइड यूजर, कीपिंग यूजर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर रिक्वेस्ट और ऑनगोइंग इंसिडेंट इज मेन टास्क फॉर IT सर्विस डेस्क। Sending the regular updates to the user regarding the progress of critical system outage and estimated time for the resolution. समझो कुछ outage है सिस्टम में तो वो कम्युनिकेट भी आप करना IT सर्विस डेस्क इंजीनियर, या वो डिपार्टमेंट का काम है IT सर्विस डेस्क डिपार्टमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिमोट सपोर्ट। सो रिमोट सपोर्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सपोर्ट इंजीनियर के इसमें आती है। आपको रिमोटली सपोर्ट करना है, चाहे वो सिस्टम नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, रिमोटली सपोर्ट करना एज अ सिस्टम एज अ IT सर्विस डेस्क का काम है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द यूजर रिमोटली ऑफन थ्रू रिमोट डेस्कटॉप टूल्स और फोन सपोर्ट। आपको अवेलेबल रहना है 24/7 ऑन फोन एटलीस्ट। ओके, अगर आपकी शिफ्ट है तो शिफ्ट टाइम पे तो अवेलेबल रहना है आपको, ठीक है। गाइडिंग अ रिमोट एम्प्लॉय थ्रू ट्रबल शूटिंग स्टेप्स ओवर अ फोन कॉल और एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर टू रिजॉल्व दैट इश्यू। और आप बहुत सारे RDC टूल्स भी यूज कर सकते हो, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जैसे एक टूल का नाम है, तो वो टूल यूज करके आप उनकी सिस्टम रिमोटली एक्सेस करके इश्यू रिजोल्यूशन ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है सर्विस डेस्क को क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग आईटी इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेंटरी, रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स। सो ये कुछ ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आईटी सिस्टम इंजीनियर और सर्विस डेस्क के बीच में। ओके सो ये एक ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दी है। ओके ये पूरा मतलब हर एक इंस्टीट्यूट या हर एक कंपनी में वो वेरी करता है कि आईटी सर्विस डेस्क का काम वेरी करता है। कुछ में हार्डवेयर सपोर्ट रहता है, कुछ में हार्डवेयर सपोर्ट नहीं रहता है, कुछ में हार्डवेयर सपोर्ट में बेसिक्स इंक्लूड करते हैं वो सिर्फ, वैसा रहता है। तो इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जैसे कि ऑर्डरिंग न्यू लैपटॉप फॉर द डिपार्टमेंट, रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर और डिस्पोजिंग ऑफ आउटडेटेड हार्डवेयर सिक्योरली। सो ये बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है टू बी ऑनेस्ट, हार्डवेयर मैनेजमेंट। बट मैंने ये क्यों इंक्लूड किया है, कुछ कुछ कंपनीज में हार्डवेयर मैनेजमेंट भी करना पड़ता है आईटी सर्विस डेस्क। आईटी सर्विस डेस्क मतलब क्या है, वो मतलब हर एक का सॉल्यूशन उस सर्विस डेस्क में रहेगा। जैसे कि मैं एक कंपनी में काम करता था इंफोसिस। इंफोसिस में कैसा था कि आईटी सर्विस डेस्क मतलब हार्डवेयर का एक अलग कैटेगरी था, सॉफ्टवेयर का अलग कैटेगरी था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट का अलग कैटेगरी था, ऐसे वो पूरा करके एक डिपार्टमेंट बनता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी अवेयरनेस, educating users about cyber security best practices, ensuring compliance with security policies. So आप सब ने compliance quizzes वगैरह दे दी होगी, compliance के कुछ उनके lectures होते हैं वो attend किए होंगे, कुछ courses किए होंगे internal company के लिए। तो वो किसका काम है, IT service desk ये आपको assign करेगा, आपको समझाएगा कि क्या best practices है, क्या security policies है, right? Example for the same is conducting security training sessions for the employees, reminding them not to share the password and enforcing strong password policies. So ये एक example देके रखा है मैंने, जैसे कि password share नहीं करना है, secure कैसे रखना है, strong password कैसे create करना है उसका। I'm sure आप अगर छोटे से छोटे कंपनी में भी काम कर रहे हो security awareness का training होता ही है हर एक कंपनी। Okay. Next is reporting and metrics. So generating reports on service desk performance, analyzing metrics to identify the areas of improvement. So as a IT service desk आपके पास सब access रहेगा, तो higher management, senior management आपको ही पूछेगी कि क्या चल रहा है service desk में, कितने issues आ रहे हैं, उसके reports generate करने हैं, उसका कितने % कम हुए हैं या बढ़ गए हैं, अगर बढ़ गए हैं issue count तो वो क्यों बढ़ गए उसका reason, ये सब करना काम है आईटी सर्विस डेस्क। एग्जांपल फॉर द सेम इज क्रिएटिंग अ मंथली रिपोर्ट शोइंग नंबर ऑफ टिकट्स रिजॉल्व, एवरेज रेजोल्यूशन टाइम एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स। सो ये सब कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स वगैरह आपको कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर से, वो डेटा हर एक एसोसिएट वाइज अगर चाहिए मैनेजमेंट को तो एसोसिएट वाइज आप दे सकते हो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर फॉर XYZ एसोसिएट इज दिस, ABC associate is this, just like that. These kind of reports you require to prepare as a IT service desk executive. Okay. So मैंने बोल दिया था कि ये responsibilities vary करती है organization to organization. So मैं ये फिर से repeat कर रहा हूँ क्योंकि आपको confusion ना हो, क्योंकि कुछ कुछ responsibility है वो overlapping है desktop support engineer की और IT service desk। So आपको confusion ना हो। अगर आपका आईटी सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव ऐसे अगर टाइटल है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो की रिस्पांसिबिलिटीज ये कर सकते हो, मतलब रेफर कर सकते हो। अगर आपको आईटी सर्विस डेस्क रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सेंड मी द मेल ऑन complexscale@gmail.com। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको भी मैं श्योरली प्रोवाइड करूंगा, डोंट हेजिटेट टू दैट। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, मैं श्योरली वो वीडियोस बना दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन। चीयर्स।